हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गणेश पूजन में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। गणेश पूजन में यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गणपति जी धरती पर ही निवास करते हैं। हर साल विघ्नकर्ता आते हैं और भक्तों के साथ रहकर उनके सुख दुख को बांटते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यदि भक्तगण सच्चे दिल से गणपति जी की सेवा आराधना करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए गणेश पूजन में इन बातों का रखें विशेष तौर पर ध्यान। गणेश पूजन करते समय कभी भी दो मूर्तियों को एक साथ ना रखें, क्योंकि अक्सर दो मूर्तियों को एक साथ रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, जब दोनों मूर्ति की ऊर्जा आपस में टकराती है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, गणेश जी को सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी के मुख की तरफ सुख समृद्धि और शुभ लाभ का वास होता है, इसलिए गणेश जी का मुख कभी भी दरवाजे की तरफ करके ना रखें, बल्कि एक सही दिशा चुनकर गणेश जी को स्थापित करें। पुराणों के अनुसार गणेश जी का पीठ का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। पांचवा, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम गणेश चतुर्थी का पूजन विधि सही तरह से करें और उन्हें किस तरह से खुश करना है इसके लिए हम पूरी कोशिश करें। पूरी पकवान मेवा मिष्ठान बनाकर उनकी सेवा करें। गणेश जी को मोदक बेहद ही प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं और इस पूरी पकवान को वृद्ध गरीबों और निसहायों में बांट दें, ताकि गणपति जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हम उन्हें खुश कर पाएं। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर गणेश जी हमारे घर पर मेहमान बनकर 10 दिनों तक रहते हैं। हमें इनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा आराधना करनी है और उन्हें खुश रखना है, ताकि जब वो आए तो फिर यहाँ से कभी ना जाने का मन बना लें। विघ्नकर्ता गौरी पुत्र गणेश जी का पावन त्यौहार हमें शुभ लाभ देता है, इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। गणपति के आगमन पर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। ऐसी भी मान्यता है भगवान गणेश जी धरती पर आकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की हम सेवा आराधना करते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं और भी जानकारियाँ लेकर आऊँगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।